पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर से लोकसभा चुनाव में उनके बेटे और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान एनडीए के उम्मीदवार हैं। चिराग की अपने चाचा और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस से इस सीट को लेकर काफी तकरार हुई, लेकिन आखिरकार सीट आवंटन में चिराग पासवान हाजीपुर सीट पाने में कामयाब रहे। इस सीट पर उनका मुकाबला महागठबंधन की तरफ से आरजेडी उम्मीदवार शिवचंद्र राम से है, लेकिन असली लड़ाई तो घराने में फंसी है। हालांकि अब पशुपति कुमार पारस एनडीए का समर्थन कर रहे हैं और चिराग पासवान को अपने पिता रामविलास पासवान के करिश्माई व्यक्तित्व का भी खूब लाभ मिल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने हाजीपुर में कार्य किए हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा हाजीपुर में जो उनके द्वारा किए गए कार्यों से किसी न किसी तरीके से प्रभावित ना हुआ हो। हैविंग सेड दैट, मैं नहीं मानता इन तमाम मुद्दों को कि कोई बाहरी भीतरी अंतोगत्वा आपके इंटेंशंस क्या हैं, आप किस सोच के साथ आप कार्य करते हैं, प्राथमिकता वो होती है। वहीं राजद ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले शिवचंद्र राम को हाजीपुर से चुनाव मैदान में उतारा है, जो स्थानीय बनाम बाहरी का नारा देकर जनता से जनादेश मांग रहे हैं। बाहरी हटाओ, हाजीपुर का बेटा के लाओ, और दूसरा विकास। 47 साल हाजीपुर की जनता ने, 47 साल कम नहीं होता, 47 साल आपको मौका जनता ने देने का काम किया, लेकिन आज के डेट में हाजीपुर की जनता ने मन बना लिया है, सभी जाति समाज के लोगों ने, कि इस बार हाजीपुर का बेटा हमारा चुनाव मैदान में उतरेगा। इस लोकसभा के दायरे में हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकर, रघोपुर और महनार 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हाजीपुर और लालगंज को छोड़कर 4 सीटों पर इंडी गठबंधन के राजद और कांग्रेस का कब्जा है। इस बार के चुनाव में हाजीपुर की जनता विकास के मुद्दों पर ही अपना सांसद चुनने के मूड में है। लोग यहाँ पर सर विकास के बारे में कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ सड़क का बहुत बड़ा समस्या है हाजीपुर में। लोग विकास पे वोट करेंगे। क्या लगता है कैसा सांसद चाहिए? नौजुवक हो, जो दुख सुख में खड़ा रहे, वैसा सांसद चाहिए हमें। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में मुद्दों की भरमार है, इसके बावजूद जनता के मन मस्तिष्क पर ये मुद्दे प्रभावी नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमोशन कार्ड खेला जा रहा है। इमोशन के आधार पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने की बात कर रहे हैं, बावजूद इसके कुछ मतदाता ऐसे हैं या मतदाताओं का एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि मुकाबला एक तरफा न हो। वर्ष 1957 में अस्तित्व में आई हाजीपुर लोकसभा सीट पर 1977 से पहले कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन जब 1977 में रिकॉर्ड वोट से जीत दर्ज कर रामविलास पासवान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया तो हाजीपुर पूरे दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने लगा। रामविलास पासवान कुल 8 बार हाजीपुर से सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। अपने कार्यकाल में रामविलास ने हाजीपुर में पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय खुलवाने से लेकर होटल प्रबंधन संस्थान खुलवाने जैसे बड़े काम किए हैं। इस बार रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चुनाव मैदान में युवा जोश और नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत बनाने के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजद ने अपने पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम पर दाव लगाया है। चौथे चरण में जनता 20 मई को गज और ग्रह के पावन क्षेत्र से किसे संसद में भेजती है, ये 4 जून को पता चल सकेगा। हाजीपुर से कैमरामैन ललित के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हाजीपुर की हॉट सीट की अगर बात करें तो आजकल देखना होगा कि इतिहास दोहराया जाता है या जो नया इतिहास है वो यहाँ बनता है। फिलहाल 24 की चुनौती में बस इतना ही, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।